सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ग्रेविटेशन और इसको प्रोसीड करते हैं कि ग्रेविटेशन के अंदर हुआ क्या है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, किसने करी, क्या क्या करी, ठीक है। सो सबसे पहले बात की जाए कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो हम यहाँ पर दो चीजें देखने वाले हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज ग्रेविटी। दो टर्म्स को हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, आगे ये थ्रू आउट द चैप्टर इट्स अबाउट टू कम, ठीक है। तो देखिए साहब, ग्रेविटेशन, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्ट में बोल दिया जाता है क्या, ग्रेविटेशन, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन, अभी लिखिए मत। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन और व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऐसा फोर्स या एक फोर्स जिसको हमने नाम दे रखा है ग्रेविटेशन, जब भी किसी भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो। सो अ नेम गिवन टू अ फोर्स व्हेन एवर देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, इस फोर्स के नेम को ही हमें क्या बोलना है, ग्रेविटेशन। वो जरूरी नहीं है दो प्लैनेट्स के बीच में हो, वो जरूरी नहीं है किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, प्लैनेट्स हो, स्मॉल पार्टिकल हो, डजंट मैटर एट ऑल, हर एक मासिव ऑब्जेक्ट, बस कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी मैटर है। सो व्हाट इज मैटर, व्हिच हैज सर्टेन मास, ऑक्यूपाई सम स्पेस। So any object or any matter having the mass, so any massive object, so between the force of attraction between any two massive object is called gravitational force. इसका मतलब ये दो marker हैं, इनके बीच में gravitational force है। जो भी force of attraction है वो क्या है, gravitation. Chair table के बीच में जो force of attraction है that is also gravitation force. ठीक है, between you and me, between fan and roof, between roof and me, whatever. ठीक है, हर एक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा। अब आप लोगों के माइंड में अभी ये चल रहा होगा कि आप बोल रहे हो कि सर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जैसे मैग्नेट के बारे में सब लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो दो मैग्नेट पास में आ जाते हैं, या फिर आयरन ऑब्जेक्ट है वो पास में आ जाता है मैग्नेट के, फिर इसमें क्यों नहीं दिख रहा, सो व्हाट शुड बी द रीजन। तो उसको अभी हम चेक करने वाले हैं, अभी उसको देखते हैं, अभी थोड़ा सा इसको फर्दर स्टडी करेंगे, फिर पता चलेगा हमें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होगा, कि हमें दिख क्यों नहीं रहा और दिख नहीं रहा फिर भी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, पहले कोई बताना चाह रहा है आप में से, कोई बताना चाह रहा है, हाँ बोलो। सर मैं बताऊं, इन दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, कैसे पता, चलो ये नहीं, ये मैंने रख दिया कहीं पे रख दिया अब, हाँ तो अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन है इस वजह से ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे। अरे वाह, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने एक टेबल ली या कोई सा भी एक सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पत्थर रख दिया है ना, रेक्टेंगल क्यूबिकल शेप का, और एक और दूसरा रख दिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बताओ देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द दीज टू ऑब्जेक्ट्स, यस और नो। नहीं नहीं, अभी तुम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो इसलिए पूछ रहा हूं, है, होगा कि नहीं होगा, जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग होगा, दो मासी ऑब्जेक्ट्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये दिख नहीं रहे एक दूसरे की तरफ जाते हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बताओ, अब फ्रिक्शन लेस सर्फेस है, अब बोलो कि पहले मेरे हाथ में था तो मैंने होल्ड कर रखा था इसलिए मूव नहीं कर रहे थे, रख दिया तो फ्रिक्शन आ गया था, फ्रिक्शन वाले ने चिपका रखा था इनको इसलिए ये दूसरे की तरफ नहीं जा रहे थे, अब फ्रिक्शन भी नहीं है तो नीचे लग रहा है, तो क्या हो गया, कोई चीज नीचे नीचे लग रही है उसकी आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, नीचे वाली फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, ये तो आगे जा सकते हैं ठीक, वैसे जैसे कुली अपने सर पे सामान रखता है। अच्छा, इनका फोर्स बैलेंस है, बहुत दिमाग, बैलेंस फोर्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले वेरियस फोर्सेस का नेट वेक्टर्स है,
ठीक है, तो अब वो बताने के लिए अभी थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो खैर तब तक आपके माइंड में आप चलता रहेगा कि कैसे कैसे चलता रहना चाहिए। तो ये तो हुआ साहब आपका क्या, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स, यही वो मेन फोर्स है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया बनी है, ये यूनिवर्स बना है, स्टार्स, इनका बर्थ, ये सब कुछ किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। बड़े से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा। वंस अगेन, तो ग्रेविटेशन किन किन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जितनी प्लैनेटरी मोशंस है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स जिस चीज से मिलकर के बना है, स्टार्स का बर्थ होना, ये सब किस फोर्स की वजह से है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इंटरेस्टिंग बात अभी जो आपने बोला, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बर्थ ऑफ स्टार्स, यूनिवर्स का बनना, यूनिवर्स की मोशन, प्लेनेटरी मोशन, ये सब है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन। लेकिन जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस है, व्हाट आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या जिसको सिंपली न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्वेन, GWEN, ऐसे याद रखो। ये किस तरीके से, यही इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है फोर्सेस का। दीज फोर फोर्सेस आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बाकी सभी फोर्सेस इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आएंगे आपके, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, वो इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं डिवाइड होंगे, ठीक है। अच्छा साहब, तो सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशन और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहां पे मिलेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, विच इज बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और वो कितना छोटा होता है, सोचो एटम कितना छोटा, एटम के अंदर न्यूक्लियस वो कितना छोटा, वहां पे पाया जाने वाला फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है पूरी यूनिवर्स के अंदर फंडामेंटल फोर्सेज में। और ग्रेविटेशन जो प्लेनेटरी मोशंस है जिसकी वजह से, उन सब में भी वीकेस्ट फोर्स है ना। इंटरेस्टिंग है ना। तो देखते हैं अभी कि और क्या क्या इसके अंदर कहानी होती है। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जांपल्स की, क्या क्या ग्रेविटेशन फोर्स को हम बोल सकते हैं। तो चाहे वो प्लेनेटरी मोशन हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन हो, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन नहीं बोलूंगा, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अच्छा साहब, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसको अब यहीं पे खत्म करते हैं इस टर्म को, ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? सो ग्रेविटी इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ ले लिया जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई सा भी ले लो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अगर ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ की सरफेस पर हो या सरफेस के पास में हो, बियॉन्ड द फील्ड नहीं जा रहे हैं, इसके आसपास वाले कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी ये मार्कर है, हम कहां पे, अर्थ पर है, तो अर्थ की सरफेस पे ही कंसीडर किया जाएगा, या अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में। मैं इसको ऊपर कर दूं फिर भी ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक अर्थ और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स अर्थ इस पर लगा रही है, और ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स ही कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो अर्थ हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर की तरफ लगाएगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जब वो चाहे ड्रॉप किया जाए चाहे ऊपर थ्रो किया जाए, इट विल ऑलवेज कम बैक टू द अर्थ। सो ऑलवेज अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ को स्पेशल नेम दे दिया ग्रेविटी, यानी कि सिंपली इस वर्डिंग को ना बोल करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ, ये इतनी बड़ी वर्डिंग ना बोल करके हमने इसको शॉर्ट में एक नाम दे दिया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब ही अब ऑटोमेटिक है, माइंड में चलता है कि ये किसके कारण फोर्स लग रहा है, अर्थ के कारण लग रहा है, किस पर लग रहा है, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर।
यार दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें से एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या होना चाहिए? ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? समझ में आती है बात? अच्छा, तो ये तो हो गई साहब आपकी ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ये दो चीजें हो गई। दोनों ही फोर्स है, फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, अगर यहां बोलूं यहां कोई ऑब्जेक्ट है तो किधर लगेगा? इधर? यस और नो? नहीं, अर्थ राउंड है ना, तो इधर पीछे की तरफ जो भी इंसान खड़ा होगा वो खड़ा तो इस तरीके से होगा ना, तो इसके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स द अर्थ। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स सेंटर। एक तरह से आप कहीं पे भी अगर यहां बोलूंगा तो ये यहां पर है, तो ये इस तरीके से होना चाहिए कि एक तरह से सेंटर पे जाता हुआ आपको नजर आए। ठीक है, वो कहलाएगी आप जिस जगह पे पूछोगे ना, तो यहां पर आप पहुंचोगे तो पर्सन इस तरीके से खड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, वो गिर नहीं रहा है। गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि रीजन वही है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखी हुई है। आप जंप करोगे तो जंप करके वापस कहां आओगे? यहीं तो आओगे। समझ में आती है बात? सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। क्लियर? अच्छा साहब, अब बात करते हैं हम, अभी चीजें क्लियर होंगी कुछ कुछ और। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। उससे पहले कुछ छोटी मोटी चीजें इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम हेडिंग तो डाल लेते हैं क्या, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको सिंपली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल दिया जाता है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हम बोल देते हैं। ठीक है? अच्छा साहब, तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आया कैसे? क्योंकि न्यूटन का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हु डिस्कवर्ड इट? न्यूटन। तो एक दिन न्यूटन बैठा था कहां? पेड़ के नीचे, है ना, दूसरा और कहीं नहीं बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था। ठीक है, हाँ, वरना तुम कुछ भी बोल दो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था बैठा बैठा कहीं पे। ठीक है, ये एप्पल और ठीक है साहब, ये हो न्यूटन भाई साहब थे। ठीक है, ये एप्पल गिरा, एप्पल इनके हाथ में आ गया, इन्होंने देखा कि क्या करें, खा जाओ तो। लेकिन ये होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है जिसको बोलते हैं कि हर चीज के अंदर है ना खुजली करने की आदत होती है, तो वो वाली चीज। ठीक है, उसने कहा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? ये अराउंड, ये बात है कब की? अराउंड किसी एक कोई दिन होगा, ये बात है 1665 की, 1665 की, ये उस टाइम की बात है। तो उसने कहा यार ये ऐसा क्यों हुआ, नीचे क्यों गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था ना टूटने के बाद, कुछ तो है। इसने वापस ऊपर फेंक दिया, फिर क्या हुआ? नीचे आ गया, नीचे आ गया था। फिर ये अपने, अब इसने कहा यार ये शायद केवल एप्पल है इस वजह से नीचे आया, दूसरे ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आते होंगे। घर गया, घर गया, घर में से कुकर वुकर ला करके ऊपर फेंकने स्टार्ट, क्या होगा, वापस सारी चीजें नीचे आ रही थी। उसने कहा ये सारी चीजें ना भारी हैं बहुत ज्यादा, किसी को धक्का मार के देख सकता है। अच्छा, उसने कहा ये सारी चीजें क्या है, बल्कि हैवी है एयर से। सोचा होगा ना यार, एयर में बहुत सारी चीजें फ्लोट कर जाती है, एयर से सब चीजें क्या दिख रही थी कॉमन सेंस के बेस पे, कि बल्कि एयर हैवी है इस वजह से नीचे आ रहा है। उसने कहा पॉलिथीन क्या हुआ, ऊपर गई, लेकिन फाइनली पंख लिया, फैदर वगैरह उनको ऊपर उड़ाया, कुछ देर तक फ्लोट करते हैं, फाइनली लेकिन नीचे। यार कुछ भी हो जाए, एयर से हल्की हो भारी हो, सारी चीजें नीचे ही आ रही है, कुछ तो है। उस कुछ तो है को समझने में इसको काफी टाइम लग गया। उसने कहा कि यार अगर ऐसा हो रहा है, एप्पल ऐसा हो रहा है, इसका मतलब, फिर जब उसको बात समझ में धीरे धीरे आई कि क्या हो सकता है, उसका
हर जगह पे जाकर के चेक किया, अपने घर से दूर दूसरे गांव में चला गया, अड़ोसी पड़ोसी के चला गया, सब जगह जा जा करके चेक किया, सब जगह रिजल्ट सेम आ रहा था नीचे सरफेस टूवर्ड्स द अर्थ। तो उसने कहा जो कुछ है वो ये अर्थ है, अर्थ में से कोई इनविजिबल हैंड ऐसा आ रहा है जो हर चीज को अपनी तरफ ले रहा है। इसका मतलब अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही। इसने कहा अगर अर्थ अपने हर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है तो फिर तो हमें ये बात पहले से भी पता थी कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के, ठीक है। सो मून वॉज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। उसने कहा कि अगर कोई चीज किसी के चारों तरफ घूम रही है तो ये ऐसा किस बेस पर होता है? तो ये सारी चीजें उस टाइम तक पता थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, और वो फोर्स जो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जिनको पता नहीं है वो कि एक कोई बच्चा है, आपने देखा होगा ये पत्थर, एक रस्सी ली, थ्रेड ली, उससे स्टोन बांध दिया कोई पत्थर, और इसको चारों तरफ इस तरह से घुमा रहा है। तो यहां पर इसने इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, तो यहां पे फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये पर्सन किसको प्रोवाइड कर रहा है? स्टोन को, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे रस्सी टूट जाती तो क्या हो जाता? ये जिस पॉइंट पे होता उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल बोले तो यहां पर ये जो भी पाथ है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दो टच होती हुई, वो क्या कहलाएगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाता, ये सब लोग जानते हैं। तो और अगर टूट नहीं रही है स्ट्रिंग, हम इसको टूटने नहीं दे रहे, यानी कि अच्छी मजबूत ले रखी है, तो इस पाथ में घूमता रहेगा। कब? जब तक हम उस पर एक नेसेसरी, एक आपको ध्यान होगा हम पकड़ते हैं तो उस पर एक फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल ही फोर्स लगाना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो उसका पाथ धीरे धीरे खत्म होकर के वो नीचे गिर जाएगा, सिंपल है। तो ये फोर्स हमेशा किधर लग रहा है? ये इसको रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हर जगह पे जहां पे भी होगा ये रस्सी इधर की तरफ ही रहेगी, ये स्टोन का नीचे इधर की तरफ ही रहेगा। तो वो फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ मोशन। यही काम किसमें हो रहा है? अर्थ एंड मून में। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स एक दूसरे की तरफ लगे उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब वहां पर थ्रेड नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है? सर्कुलर मोशन के लिए। यही किसमें हो रही है? अर्थ एंड मून सिस्टम के अंदर भी हो रही है ये की मोशन। और क्योंकि अभी अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स है वही क्या प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या बोले? ग्रेविटेशन फोर्स। किस केस में? अर्थ और प्लेनेटरी मोशन हो किसी भी। तो उस टाइम पे न्यूटन ने क्या सोचा कि जिस तरह का फोर्स एप्पल के नीचे गिरने के लिए रिक्वायर्ड था क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसी तरह का एक अट्रैक्शन फोर्स आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन मून एंड अर्थ। इसी को नाम दे दिया उसने क्या? ग्रेविटेशन। और ये बहुत सारी चीजें उसने जब ऑब्जर्व करी, डिस्कवर करी, फाइनली उसने अपनी एक बुक पब्लिश करी इन 16 लगभग 20-22 साल बाद। ये था 1665 के अंदर ये पेड़ वाला किस्सा, और उसके 20-22 साल 1687 के अंदर उसने एक अपनी फेमस बुक पब्लिश करी जिसको शॉर्ट में क्या नाम दे रखा है? प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया, ठीक है। तो उस बुक के अंदर, फेमस बुक थी, तो उसके अंदर इसने अपने मैथ्स के, फिजिक्स के बहुत सारे फंडामेंटल्स इसके अंदर क्लियर करें। और उस टाइम कोई साइंटिस्ट भी था जिसने बोला था कि भाई पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि इसने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, इसने 18-20 महीने में एक कुछ पेपर इससे घूम गए थे किसी दूसरे साइंटिस्ट के, उसने कहा भैया मेरे को चाहिए वो पेपर, तब तो उसने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल उस टाइम पर इसने दिए थे इस बुक के अंदर। तो इट वॉज द पब्लिश्ड, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट आया वो पब्लिश इस टाइम पे हुआ। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है ये जिसको अब हम स्टडी कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
इन द होल यूनिवर्स एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स. तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ एक को ही करूंगा अट्रैक्ट, या ये पहने तो सिर्फ इस मार्कर को कर रहा है. जितने ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं यहां पर, मासी ऑब्जेक्ट जो भी है, यार एक को अट्रैक्ट कर रहा है. वो बात अलग है कि सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की का अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगा. किसी में विजिबल होगा, किसी में नहीं होगा. बॉसों में विजिबल होगा, बॉसों में नहीं होगा. दैट शुड बी द डिफरेंट केस. कैसे होगा, अभी तक आप लोगों के माइंड में चल रहा है. देखो, तो इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट या एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी पार्टिकल ईच एंड एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ये था इसका फेमस लॉ. क्यों हुआ, क्योंकि इसने ये स्टडी कहां तक देखी कि प्लैनेट्स के बीच में भी हो रही है भाई, सन और अर्थ और मून के बीच में भी हो रही है, सन और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण एक मोशन हो रही है, एप्पल और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में हमेशा क्या प्रेजेंट है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसी को उसने नाम दे दिया ग्रेविटेशन, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ऑबे हो रहा है ये रूल. तो उसने बोल दिया कि यूनिवर्सली दिस इज ट्रू. सो दिस इज कॉल्ड, और आज तक दिस इज कैलकुलेटेड टू बी ट्रू. तो इस वजह से हम इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अच्छा, स्टेटमेंट तो हुआ ये सिंपल. ये क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. अगर दो ऑब्जेक्ट्स लिए जाए तो मैथमेटिकली क्या इसका स्टेटमेंट है. तो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, the force of attraction according to this law, kis law ke according, universal law of gravitation, the force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of masses, two masses, दो ऑब्जेक्ट्स की बात चली, प्रोडक्ट टू मासेस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, इसका डायग्राम बनाए तो क्या कैसा बनेगा देखिए. यहां पर लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है M1. अच्छा, ये अभी पूरा नहीं हुआ, इसके साथ एक लाइन ऐड करना जरूरी है, वरना फिर फिजिक्स के अंदर वो लॉ ऑबे नहीं हो पाता. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम देयर From the line joining their centers. तो ये ध्यान रखना, ये एक important word होता है कि center to center distance लेते हैं. ठीक है, वरना अभी मैंने एक object M1 बना दिया, एक object M2 बना दिया. कोई कहता है कि ये distance है इन दोनों के बीच में R, कोई कहता है ये है इनके बीच की distance R, कोई कहता है ये वाली डिस्टेंस है यार, नहीं उसमें ऑबे नहीं होगा. क्या बोला जा रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लाई कर रहा है, सेंटर टू सेंटर, और डिस्टेंस कहां से कहां के बीच में ले रही है, सेंटर टू सेंटर. सो हम इसको कैसे बनाएंगे, लेट सपोज अगर ये M1 है तो इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं एक सेंटर पर, बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो. पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होगा तो खुद पॉइंट साइज ही होगा, तो ये बना दिया. M2 का सेंटर यानी कि इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट मान लिया मैंने कहां पर,
इसके सेंटर पर एम टू, इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जा रहा है आर। सो मैथमेटिकली हम इसको लिखते क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू, दो मास ले लिए मैंने एम वन और एम टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, जो ये वर्ड होता है शायद मैंने पहले भी बता रखा है, नहीं पता हो तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो अपने आप में वन अपॉन लिखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये साइन और वन अपॉन करके फिर जो भी इसके बाद लिखा हुआ वो आप लिखोगे, क्या है ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसको रीड करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको रीड करोगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन यू विल बी यूजिंग अगेन द वर्ड वन अपॉन। और अगर आप इनवर्सली बोल रहे हो तो इनवर्सली का मतलब उसमें खुद में इंक्लूड हो चुका है क्या वन अपॉन, तो उसमें रीड नहीं करोगे आप, इसको रीड करोगे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली है तो वन अपॉन बोलना जरूरी, इनवर्सली बोल रहे हो तो केवल जो नीचे लिखा है उसको बोलोगे F is inversely proportional, तो ये inversely proportional यहां तक हो गया, inversely proportional to R square. By combining both of them, what do we get? इन दोनों results को अगर combine कर दें, F is directly proportional to M1 M2 upon R square, ठीक है। अच्छा, जब भी proportionality का sign हटाते हैं हमेशा एक constant आता है, ठीक है। तो लेट सपोज इस कॉन्स्टेंट को एक सिंबल दे दिया कैपिटल जी, ठीक है। सो कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, सो व्हाट इज जी हियर, जी इज नथिंग बट इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को ही बोला जाता है क्या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो एक्चुअल में जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो किस वजह से है, प्रोपोर्शनैलिटी के हटने की वजह से। तो है एक्चुअल में क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, इसको बोलते क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी हम हमारे लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसके आगे यूनिवर्सल लगा, इसका मतलब इस कैपिटल जी की वैल्यू अभी तक होल यूनिवर्स में फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू जब प्रैक्टिकली फाइंड की जाती है, ये भी चीज आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो भी आते हैं वो एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली फाइंड की जाती है। सो इन एसआई सिस्टम इसकी वैल्यू जो फाइंड की गई कैपिटल जी की वो आती है 6.673, तो आप चाहो तो केवल यहीं तक याद रख सकते हो टू डिजिट तक, इंटू 10^-11, 6.67 × 10^-11। अच्छा, जल्दी से मुझे बता सकते हो क्या कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा यूनिट, यूनिट बोले तो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भाई जो लोग सकते में है देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं, F is equals to G M1 M2 upon R square. आपको किसकी यूनिट डिफाइन करनी है, जी की। इसको रोक के रखो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड, तो फॉर्मूला क्या बन गया जी का, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन और एम टू। अब इसमें आने वाली जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी क्या पुट कर देंगे हम, यूनिट, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, यूनिट, यूनिट फाइन करनी है ना जी की। तो एफ की यूनिट क्या हो गई न्यूटन, आर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर का क्या है दिख रहा है स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। एम वन क्या है मास केजी, एम टू भी क्या है केजी, तो केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे तो इसके आगे आपको क्या ऐड करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट, ठीक है।
सभी को यहां तक क्लियरली समझ में आ गया? हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया इधर? अच्छा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बीच में शुरू में चला था क्वेश्चन कि क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे, अब उसका आंसर सुनो। कैसे कैसे पता चला? फील आ रही है अंदर से क्यों नहीं है, वही तो क्वेश्चन है। अबे भोंट दिमाग रख तो दिया था फिक्शनलेस पर, बड़े बेकार आदमी हो तुम। देखो इधर, ये दिख रहा है जी, और ये जी की वैल्यू दिख रही है, और जी की वैल्यू में 10 की पावर देखो कितनी है। तो ओवरऑल आप जो भी मास रखोगे उसके साथ ये 10 की पावर क्या होगी, -11। वो इस फोर्स को इतना कम कर देगी कि वो फोर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन इतना नेग्लिजिबल है कि वो उसको मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये ठीक वैसे है जैसे एक अलमीरा या वॉल है, इस पर मैं फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन मेरा फोर्स एनफ नहीं है इसको मूव करवाने के लिए। तो क्या फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये तो नहीं बोलोगे ना कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स इज देयर, बट दिस मच फोर्स इज नॉट सफिशियंट टू मेक द ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने एनफ नहीं है कि ये इनमें मोशन क्रिएट कर सके। सो दो चीज का ध्यान रखना है, फोर्स का होना एक अलग बात है और फोर्स के इफेक्ट का दिखना दूसरी बात है। तो फोर्स हो जरूरी नहीं कि आपको उसका इफेक्ट विजिबल हो ही सही, यानी कि मोशन हो ही सही, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, दैट इज द रीजन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तुमने भी वही बोला है।